Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing great. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है उसके अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी भी एक वेरी इंटेग्रल पार्ट हो गया है टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन और टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज हम जिस पर्सनैलिटी के साथ मौजूद हैं वो पाकिस्तान में साइबर सिक्योरिटी की सर्विसेज की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सो सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। वेलकम मूवीज। सर आई वुड लाइक कि आप अपना इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को करवा दें। थैंक यू फॉर ऑनरिंग मी टू जॉइन दिस इंटरव्यू। एंड मेरा नाम सबगतुल्ला है एंड आई एम एसोसिएटेड विद द साइबर सिक्योरिटी सर्विस ऑपरेशन सिंस लास्ट ऑलमोस्ट लाइक 14 ईयर्स। और ड्यूरिंग दिस मोस्ट ऑफ माई एक्सपीरियंस इज विद द टेलीकॉम इंडस्ट्री अराउंड द वर्ल्ड। एंड राइट नाउ आई एम एसोसिएटेड विद द सिस्टम इंटीग्रेटर एंड इन द सेम डोमेन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी। सर आई वुड लाइक कि जो सिस्टम इंटीग्रेटर का थोड़ा सा हमें एक इन्वायरमेंट थोड़ा एक्सप्लेन करें, एक जॉब कल्चर कैसी है कि एज ए साइबर सिक्योरिटी एक सिस्टम इंटीग्रेटर कैसे काम करता है। हम लोग एज अ सिस्टम इंटीग्रेटर वी आर इन अ बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्किल स्किल्ड रिसोर्सेज एंड जो कि इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंटेशंस प्लानिंग इसमें कर रहे हैं। और मेजर तीन एरियाज़ हैं जिसमें हम रिसोर्सेज स्किल्ड रिसोर्सेज को क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। दैट इज़ इन एन ऑगमेंटेशन मॉडल, मैनेज सर्विसेज और ऑफ साइट एंड ऑन साइट रिसोर्स स्किल्ड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी। आप इन तीनों डोमेन्स में से किस डोमेन को पर्टिकुलरली राइट नाउ एंटरटेन कर रहे हैं? राइट, मैं इस वक्त मेजर पार्ट इज मैनेज सर्विसेज। ओके, वेयर whole responsibility of managing, operating, risk assessments वो सारी हमारे पास fall करती हैं, हमारे domain में fall करती हैं। अब सर talking about cyber security बहुत vast field है, ठीक है, और इसमें different job of work, different मैं ये कहूँगा different domains actually। So, आप इन पूरी डोमेन्स में से किस पर्टिकुलर डोमेन में काम करें? राइट, साइबर सिक्योरिटी ने ड्यूरिंग लास्ट 15 इयर्स पाकिस्तान में बहुत इवॉल्व किया है। ओके, और दैट इज़ वेरी वेल सेड बाय समबडी कि साइबर सिक्योरिटी इज़ नॉट अ गोल, इट्स अ जर्नी। सो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू कैन सी मैनी अदर डोमेन्स पॉपिंग अप इन द साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी इवॉल्व्स इटसेल्फ एंड इट इवॉल्व्स विद द एवोल्यूशन इन द टेक्नोलॉजी इन अदर फील्ड्स लाइक इन नेटवर्क इंफ्रा एप्लीकेशन ऑपरेशंस। सो जो मेरा पार्ट है बेसिकली वो साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस से ज़्यादा रिलेटेड है। सर साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशंस की जब हम बात करें तो ऑपरेशन इट्स पर्टेन्स टू मतलब होल सेगमेंट लाइक नेटवर्क हो गया, एप्लीकेशन हो गया, क्लाउड हो गया, वट एवर द इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर। सो यू आर प्रोवाइडिंग द सिक्योरिटी सर्विसेज और साइबर सिक्योरिटी और इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सर्विसेज टुवर्ड्स दैट। तो सर लेट्स सेगमेंटाइज दीज थिंग्स। सो अगर हम पहले बात करें ऑपरेशंस में पर्टिकुलरली नेटवर्क सिक्योरिटी या नेटवर्क आप उसमें इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में, तो क्या स्किल सेट देखना चाहेंगे जो कैंडिडेट आपके पास अप्लाई कर रहे हैं या आपकी टीम में आना चाहेगा, तो व्हाट इज द स्किल सेट दैट यू आर लुकिंग इनटू दैट कैंडिडेट फ्रॉम अ नेटवर्क एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव कि उसने किन प्रोडक्ट्स किन टूल्स या किन चीज़ों पे काम किया? जब हम नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो नेटवर्क इन द मेजरली जो माय फीडबैक ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंटल आई एम वर्किंग विद, आई सी द सिस्को फैब्रिक, इट्स वन ऑफ द मेजरली डिप्लॉयड पार्ट। ओके, देन कम्स द नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर एप्लीकेशन पार्ट आता है, ईमेल सिक्योरिटी पार्ट आता है, वेब सिक्योरिटी पार्ट आता है। सो दैट ऑल रिलाइज ऑन हाउ एप्लीकेशन इज हैंडलिंग द रिक्वेस्ट एंड हाउ नेटवर्क इज डीलिंग विद टू पास टू दैट रिक्वेस्ट थ्रू द डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस। राइट, सो जनरल व्यू हो गया जो यानी कि उसका एज ए सिक्योरिटी फैब्रिक होल पता हो चुकी है, ईमेल सिक्योरिटी कैसे काम करती है, एंड वी टॉकिंग अबाउट नेटवर्क सिक्योरिटी राइट नाउ और वी कैन से साइबर सिक्योरिटी राइट नाउ। तो सर अगर इन्हीं हम सेगमेंट्स में अगर हम एक जो टूल्स जो अभी आप जिस पे काम करें जो आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो भी अगर आप साथ साथ बताते हैं। ओके, राइट, बिल्कुल। मेजरली एप्लीकेशन सिक्योरिटी के ऊपर जब हम इन नेटवर्क पे बात करें सो इट्स F5 WAF that is majorly deployed across the clients. ये हो गया application security. Application security on network. Then comes Cisco का जो AMP है, that is Advanced Malware Protection.
that includes FTDs, Cisco M4 endpoint devices, or ye complete infrastructure that is heavily security. That includes the network security. Advanced malware protection is basically network part as well. Okay, so that aap kya cha rahe ki like FTD, FTDs, SMA, SMA, WSA, ये पार्ट है जो कि नेटवर्क लेयर के ऊपर डील कर रहा है. और ये सिस्को की प्रोडक्ट, ये सिस्को की प्रोडक्ट है, सिस्को के प्रोडक्ट पे काम किया. वेरी राइट सर. देन कम्स टू अ सिस्टम सिक्योरिटी. अच्छा, दैट इज एक्सेस मैनेजमेंट टॉप ऑफ द लिस्ट. लॉगिंग इंटीग्रेशंस, इवेंट इंटीग्रेशंस, फॉर दैट मेजरली जो यूज हो रहा है वो आर्क साइट है, जो कि आपको इन एशियन कंट्रीज नज़र आएगा ज़्यादा. अगर आप ग्लोबली आएँ तो आपको लॉगरिदम. आपकी क्या रिक्वायरमेंट है? हमारी रिक्वायरमेंट बेसिकली स्प्लंक मेजर. आज की डेट में आपकी स्प्लंक, स्प्लंक एंड क्यूरेडार. तो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव में जैसे आपने बताया, एक एक चीज़ बता दी, क्यूरेडार पे काम किया हो या स्प्लंक पे काम किया, और कौन कौन सी प्रोडक्ट है जो आपकी रिक्वायरमेंट है? Another technology that is maturing in the market is EDR, जिसमें CrowdStrike, Microsoft Defender. Other than that, privileged access management बहुत ही से ग्रो कर रहा है, मैच्योर कर रहा है, that the part of world we are living in. और उसके अंदर अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, CyberArk, Delinea that was previously Thycotic as well. That identity management, access management, privileged access management, application security में burp suits, Hydra, SAST and DAST, pen testing, red teaming. इसके अलावा हमारे पास database security, then other SIEM solutions, जिसके अंदर मैंने Curadar और Splunk को highlight किया है. और एक थर्ड थोड़ा सा इस वक्त ऐड करना चाहूँगा कि लॉगरिदम इज समथिंग जो कि इस वक्त हमें क्लाइंट्स के पास एट टाइम्स रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं. प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट में मैंने मेंशन किया था CyberArk, देन Delinea या Thycotic, दैट वाज प्रीवियसली कॉल्ड एज Thycotic. सो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं. तो इन सारी प्रोडक्ट्स पे अगर आपने yes. जो ये प्रोडक्ट्स आपकी रिक्वायरमेंट है आज की डेट, करेक्ट, यस. और अगर इन प्रोडक्ट्स पे काम किया है तो फिर ही आपके वो सूटेबल, बेस्ट सूटेबल कैंडिडेट होगा इनटू योर टीम. करेक्ट, वेरी राइट. एनीथिंग एल्स व्हिच आई मिस सर, व्हिच यू लाइक? अच्छा, सो देखिए, साइबर सिक्योरिटी के अंदर टूलिंग, सॉक, जीआरसी, ऑल डोमेन्स दैट हैव their technical requirements to be onboarded. But one thing that is common is a good analytical skills. Okay. You should have that thing ke aap, it's an integrator environment. Matlab main separately being just cybersecurity ko leke nahi chal sakta. I should understand the criticality of the integrations. Okay. Or then comes in ke mujhe problem statement, analyzing the problem and analyzing the infrastructure to secure that problem or that risk. Mm-hmm. So jo problem hai na cyber security mein, that is called as a risk. So there and one thing ke every risk cannot be fixed. They can be, some can be mitigated, some can be just reduced to the minimum level, and rest residual risk you have to get submitted. But that thing comes with the criticality of the data that holds, or the business or reputational loss that residual risk can cause us. So these all things requires a good analytical skills. Analytical skills, ये definitely event correlationing, और आपने find out करना where, how it happens and why it occurs and how you are going to mitigate it. So definitely sir, ये एक information security, अगर हम cyber security का part के, तो ये बड़ी basic requirement मैंने बहुत सारे. इफ यू आर गुड इन एनालिटिक्स देन यू कैन, देन दिस फील्ड इज अ गुड फील्ड फॉर यू. एग्री, बिल्कुल आप सही है उनका. अच्छा सर, अगर अब हम इसको, हम अपने पूरे एक इंटरव्यू को अगर समराइज करें, ठीक है, समराइज इन अ परस्पेक्टिव के आज की डेट में आपकी टीम में जो रिक्वायरमेंट है, अगर आप उसको बाय समरी बता दें कि मुझे ये टूल्स चाहिए, अगर ये प्रोडक्ट्स पे काम किए तो आज ही मुझे आप अपनी सीवी भेज दें. राइट, so it's a tough question.
जब जो ऑडियंस मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, आपकी वीडियो देख रहे होंगे, आज के साल के बाद शायद उनके लिए वैलिड ना उस टाइम पे, बट इट डिपेंड्स अपॉन टेक्नोलॉजी. देखें चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है. और हम इवेंचुअली आफ्टर ईयर और आफ्टर सिक्स मंथ हम दोबारा आपके पास आएंगे और पूछेंगे कि आज की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. तो हमने आज की रिक्वायरमेंट पूछनी है कि आज की डेट में लाइक दिस इज माई मई 2023 में आपके पास आज जो रिक्वायरमेंट है आप वो बताएं कि हमें अगर इसी चीज़ों पे काम किए तो मेरे पास अभी सीवी भेजो, मैं अभी बिल्कुल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पेन टेस्टिंग, जिसके अंदर एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग के अंदर बर्प सूट बताया, उसके अलावा ये नाम दिया था हाइड्रा, सेस्ट, डेस्ट, नेसस, इस तरह के टूल्स हैं. प्रिविलेज एक्सेस मैनेजमेंट के अंदर साइबर आर्क, डेलिनिया, थाकोटेक. नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर सिस्को, FTTs, ESAs, WSA, उसके अलावा F5WAF. जब आते हैं एंड पॉइंट प्रोटेक्शन के अंदर, वहाँ पर हमारे पास क्राउड स्ट्राइक, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर मेजरली ये हैं. और इसके अलावा अगर हम डेटाबेस सिक्योरिटी, नॉट नेमिंग एनी प्रोडक्ट बिकॉज इट्स मोर ऑफ लाइक अ कॉन्फ़िगरेशनल, और खैर टूल्स भी हैं उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट मैटर टूल्स भी हैं. अपार्ट फ्रॉम GRC का मैंने बताया, इंसिडेंट हैंडलिंग के अंदर एट लेवल 2 और 3, जहाँ पर टूल्स के अंदर प्रोटेक्शंस या रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशन, सो उसके लिए जो सारे टूल्स मैंने मेंशन किए हैं, दीज आर द बेसिक टूल्स जिसके अंदर हम इंसिडेंट हैंडलिंग के लिए भी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. इन प्रोडक्ट्स पर अगर आपका हैंड जोन है तो आप फॉरन से पहले सर को रीच आउट करें. हम बेसर की लिंक प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेंगे एंड डेफिनेटली यू विल गेट हायर्ड. और अगर आपने इन प्रोडक्ट्स पे काम नहीं किया हुआ तो इन प्रोडक्ट्स पे काम करें, और क्योंकि ये आज की नीड है और इवेंचुअली डेफिनेटली इट्स नॉट जस्ट फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये मोर और लेस पूरी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हमारी जितनी भी एक मल्टी नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, ये उनकी नीड है, मोर और लेस सेम प्रोडक्ट्स हैं. तो इन डेफिनेटली इन प्रोडक्ट्स पर आप काम करें और इंशाल्लाह यू विल गेट अ वेरी गुड जॉब एट द एंड. बेसिकली एक कॉज है और इस कॉज को आप डेफिनेटली उन सारे लोगों के साथ शेयर करें जो कि इन नीड है और जो अपने आप को डेवलप करें इस पर्टिकुलर फील्ड में, अपने आप को ग्रो करें, सो दैट एक उनको गाइडलाइन मिले कि वॉट एग्जैक्टली दे हैड टू डू. फॉर एग्जाम्पल अगर सर की टीम में पर्टिकुलरली आपने आने तो इन चीज़ों पे अगर आप काम करोगे, अगर इस डायरेक्शन के साथ अगर आप काम करोगे तो आप एक थोड़े से टाइम में एक अच्छे एक फ्रूटफुल एफर्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बेहतर है और आपके लिए भी बेहतर है. Yes, correct. So at the end, would you like to give any message to the audience? Always, you put your efforts. Your efforts doesn't result immediately. At times, ऐसा होता है कि आपकी efforts after months, years, आपको payback करती हैं. But अब आपने effort को right direction में इन प्लेस पुट करना है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो मैं उसको ये कहूँगा कि वो हार्ड वर्किंग या वो सारी चीज़ें अब लेगेसी हो गई हैं, इट्स स्मार्ट वर्किंग. एंड व्हाट इज़ स्मार्ट वर्किंग? पुटिंग एफर्ट्स इन द राइट डायरेक्शन विद अ क्वांटिटेटिव रिजल्ट, दैट गोल, क्वांटिटेटिव गोल सेट राइट नाउ will bring success to you. And again, मैं ये कहूँगा कि if you achieve a success, then it's not your destination. Success again is a journey. It's not a goal. Hey, thank you so much. इस beautiful message के साथ हम अपनी इस video का end करते हैं. So do subscribe to our channel and do like our videos and share with these to the public audience so that it will help them to achieve their goals. Thank you. Thank you, brother. Thank you.